अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आज से स्पाइस विद यूसरा में बनाने वाले हैं मुगलई मखनी पिज्ज़ा। ठीक है जी, इसके लिए मैंने ली है 150 ग्राम चिकन, जिसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है जिंजर गार्लिक पाउडर मिक्स करके, और जो है 2 टेबलस्पून भर के डाला है तंदूरी मसाला। बस ये डाल के मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है। चिकन हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ताकि जूसी सी रहे। ठीक है, जब हम इसे निकाल लेंगे तो 1 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम भी ऐड कर लेंगे और इसे करके रख देंगे साइड पे मिक्स। ठीक है, मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। फिर अब हम रेड सॉस बना रहे हैं पिज्ज़ा का, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है केचप, 2 टेबलस्पून ऑयल में 2 टेबलस्पून केचप डाला है। अब 2 टेबलस्पून मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। इसको कर लेंगे मिक्स। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यूज कर रही हूँ। इसमें मैं ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है, फिर 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस भी यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। जब इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे तो ये हमारा सॉस हो जाएगा रेडी। ठीक है जी, और इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, इसकी थिकनेस इस तरीके से है। ठीक है, हो गया हमारा सॉस, पिज़्ज़ा का सॉस रेडी, रेड सॉस, और ये हमारी हो गई है यहाँ पे चिकन भी रेडी। ठीक है, अब हम इसमें टोटल क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, ये हो गया हमारा रेड सॉस रेडी। और ठीक है, इसमें हम टॉपिंग क्या क्या कर रहे हैं, हम प्याज ले रहे हैं, कैप्सिकम ले रहे हैं, ब्लैक ऑलिव्स ले रहे हैं, और हमने 1 चम्मच भर के ये लिया है बटर। ठीक है, कोई भी बटर आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है इसके ऊपर टॉपिंग। अब हमने पिज़्ज़ा की डो में ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो हमने हाथों से बड़ा बड़ा के एक अपने जो भी आप जिसमें भी बना रहे हैं उसमें हाथों से बड़ा बड़ा के लगानी है, बेलनी नहीं है। फिर उसको जब आप पूरा कवर कर लेंगे अपनी डिश को, तब आप इसको आधे घंटे के लिए रख के छोड़ देंगे ताकि वो राइज हो जाए, ताकि हम राइज होने का प्रोसेस हम बाहर करेंगे, हमें ज़्यादा देर तक ओवन में उसको नहीं रखना पड़े और फौरन से हमारी कुक हो जाए और बहुत सॉफ्ट ब्रेड की तरह बने। हमने अपना जो रेड सॉस रेडी किया है वो सही तरीके से ऊपर इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब हमने ऊपर से इस पर कैप्सिकम और अनियन और ब्लैक ऑलिव्स डाल देने हैं। इसके बाद हम चिकन भी रख दे अपनी सारी इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद जो हमने मक्खन लिया था वो मैं जगह जगह अलग अलग तोड़ के डाल रही हूँ, कि एक जगह उसका जो है वो हम डाल देंगे तो वहीं पे वो मेल्ट होके वहीं रह जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें 200 ग्राम्स का ब्लॉक लिया है चीज़ का, वो हम इस ग्रेटर से ग्रेट करके इस पर डालेंगे। इसके बाद हम इसको रखेंगे ओवन में 200 डिग्रीज पे रखेंगे 10 मिनट्स के लिए, और ये हमारी ब्रेड जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे बाहर ही राइस कर लिया था। ठीक है जी, और ये मैंने निकाल के आपको एक पीस दिखाया इसका। मैं आपको इसकी ब्रेड भी दिखा दूं कि कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट बनी है। ये देखें, बिल्कुल जो हम घर की जो डबल रोटी खाते हैं, बिल्कुल ताज़ी जो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल वैसी लगती है, बिल्कुल सॉफ्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।